अरे मैं नाम का नहीं, मैं काम का ज्योतिषी हूँ। अच्छा। मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है। अच्छा मैं तुम्हें रानी से मिलवा देता हूँ, वरना तुम ऐसे ही खिड़की से गिरते रहोगे ना। अरे हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हमारी वजह से दो दिल मिलते हैं, एक घर बसता है, बच्चे किलकारी मारते हैं, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या होगी। सुना इनका बाप कर्नल बड़ा सख्त आदमी है। अरे अभी रिटायर्ड है, कभी भी बुलावा आ सकता है, और उन्हें तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा। कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखना पहली मुलाकात में गले लगा लेंगे तुम्हें। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू फॉर द कॉफी, बाय यू गाइस। रानी जी आपसे कुछ नाराज है? नहीं तो फिर उस दिशा में क्यों जा रही है? रानी जी, पंडित जी यहाँ आओ। इस तरफ आ रही है जी, देखना एक बार हाथ मिले, दिल मिलने में देर नहीं लगेगी। आओ आओ तैयार हो जाओ। आजकल कर्नल साहब 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी वो गाड़ी खराब हो गई ना, तो उसी के चक्कर में गए हैं। हमने उनसे कितनी बार कहा है कि आपके कार्बोरेटर की महादशा चल रही, कम से कम 125 रुपए का पेट्रोल डलाया करो, 25 रुपए से ऊपर के डलवाते नहीं है। खैर छोड़ो, ये है मेरे बचपन के दोस्त समीर। हालांकि बचपन मिले नहीं है, जवानी में आके मिले हैं। और ये रानी, समीर लाइफ गार्ड, रानी फैशन डिजाइनर। हाथ बात तो मिला लो। मम्मी! बच्चे को संभाल नहीं सकते? क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? डैडी! क्या मुलाकात हुई है कर्नल से इनकी? किसने इन्हें चाटा मार दिया? ऐसा लगा कि बम फट गया। पापा आप ठीक तो है ना? पूछो मत बेटा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया हो।